हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जो अभी अपकमिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाली है सीबीएसई। उसने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। सो इसमें सारे जो हेड्स हैं स्कूल के, प्रिंसिपल डेस्क और अदर सीनियर स्टाफ और मोस्ट सीनियर स्टाफ फ्रॉम टीचिंग, ओके। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन 21 जून। यस, दिस रिगार्डिंग सर्कुलर हैज बीन सर्कुलेटेड इन सीबीएसई साइट, सो ऑल्सो वी कैन चेक हियर होल एनेक्सर ए, ओके। तो आपको एनेक्सर पूरा पढ़ना है और इसके जो रूल्स है, जो टर्म्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विल बी सेलिब्रेट ऑन 21 जून 2022। The worldwide acceptance of yoga is matter of pride for our country, as yoga is an integral part of our cultural and spiritual heritage. As the upcoming 8th International Day of Yoga is falling in the year of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Ministry of Ayush Government of India proposes to observe International Day of Yoga at iconic site across the country of the India planting. यस, जैसे कि हम जानते हैं कि योगा बहुत ही मेन और बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन का, कि उसके लिए हम बच्चों को किस तरीके से हम इसमें मतलब शामिल कर सकते हैं। और अभी स्कूल खुलने ही वाला है, तो अपकमिंग सेशन में को एक एक छोटा सा इवेंट रख के भी हम बच्चों का स्कूल का जो दिन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कि उनके लिए कुछ हम एक बड़ी ऐसी एक्टिविटीज़ भी डिसाइड कर सकते हैं। हम अभी एक्टिविटीज़ की कुछ लिस्ट देखेंगे जो सर्कुलर में निकाली गई हैं सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अपने स्कूल में एक पूरा योगा का एक आपका व्यू पूरा आपको क्रिएट करना है। उसके आपको कुछ फोटोग्राफ्स लेने हैं। फोटोग्राफ्स लेने के बाद कम से कम जितने भी बचे गए स्टूडेंट्स हैं, इफ़ यू कैन स्टूडेंट्स विल बी पार्टिसिपेट, सो दैट विल बी सजेस्टिंग फॉर दे कैन क्रिएट आई थिंक दिस शुड बी क्रिएट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द अंडर 100 वर्ड्स, ओके। तो एज पर एज हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम बोल सकते हैं कि कुछ फोटोज़ को भी रखना है आपको, एक आप अपने लेवल पर रख सकते हैं और उसको वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। इस आइदर में भी यू कैन स्कूल में ऑल्सो आ क्रिएट अ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा लिंक, आप अपनी क्रिएट भी, जैसे वेब लिंक है गूगल फॉर्म के लिए, हम फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, गूगल फॉर्म आप लिंक के द्वारा बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि बच्चे रजिस्ट्रेशन करें, और उसमें एक लिंक क्रिएट करके अपनी वेबसाइट में आप अपलोड कर सकते हैं, कि जिससे बच्चे जो भी चीज़ों को सबमिट करें वो आपके वेबसाइट में शो हो। आप अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। बाकी सीबीएसई ने भी आपके लिए जो रखा है वो डेट है 17 जून। आप 17 जून को भी बच्चों को आप बता सकते हैं कि आने वाला जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, हम उसको हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं अंडर दी कोविड गाइडलाइंस, ठीक है। कोविड गाइडलाइंस के लिए हम ध्यान में रख के कर सकते हैं। और हम देखते हैं इसमें कुछ कि आप एक्टिविटीज़ कौन कौन सी दे सकते हैं बच्चों को, जैसे कि मोस्टली बच्चे आई थिंक देयर इज अ फर्स्ट इज अवेयरनेस द रैली, है ना, रैली निकलता है। नुक्कड़ नाटक भी हम देख सकते हैं बच्चों को, सेमिनार बहुत सारे कंडक्ट हो चुके हैं। आई थिंक ऑल जितने भी स्कूल हेड हैं, प्रिंसिपल है, सबको सेमिनार का बहुत ज़्यादा आइडिया हो चुका है। स्पेशली जो सीनियर टीचर स्टाफ है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेशन उनका बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि टीचर्स ही बच्चों को कन्विंस करते हैं, हर कंपटीशन के लिए, हर प्रोग्राम के लिए, हर इवेंट्स के लिए रेडी करते हैं। तो स्पेशली जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बोल सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक है एक थीम, हम उसका योगा का रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सूर्य नमस्कार का भी डिस्प्ले हम कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्ले मॉडलिंग है, एंड हाँ, जो हम हर बार करते हैं, मोस्टली काफ़ी स्कूल कंडक्ट कराते हैं, मास योगा सेशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, ऐसे राइटिंग एंड शोइंग अ वीडियोस ऑन योगा। तो हम बच्चों को योगा के कुछ इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं, वीडियो के थ्रू बता सकते हैं, कुछ क्विजेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन रख सकते हैं, डिबेट्स रख सकते हैं। तो एज पर एज आप अपने बच्चों की कैपेबिलिटी देखकर आप काम कर सकते हैं। इसमें इवन जो स्कूल स्टाफ है, स्कूल मैनेजमेंट स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, वो सब चीज़ें हम योगा मेडिटेशन के इस सेशन में हम कर सकते हैं। सो वी कैन कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, हम वी कैन टेक वेरियस एक्टिविटीज़ फ्रॉम देयर, अवेयरनेस और बेनिफिट्स ऑफ योगा, वॉल पेंटिंग,
depicting our various yoga postures, and paper bags making, theme yoga is a yoga logo making, कि बच्चे अपना अलग अलग अपने अलग अलग स्टाइल के लोग वो जो लोगो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं. बाकी तो है तो बहुत सारे योगा के अलग अलग लोगो अलग अलग लोगों ने निकाले हुए हैं, तो हिसाब से बच्चे जो हैं स्कूल के बच्चे किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ध्यान रहे कि बच्चे पार्टिसिपेशन करें इस चीज़ के लिए. तो ये 21 के लिए है, ठीक है, 21 के लिए. सो आप इसमें एज पर अगर आप इसे जल्दी भी कंडक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अकॉर्डिंग. तो और जो CBSE की वेबसाइट है उसमें आपको एज पर CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 17/6 को ये आपको अपलोड करने हैं, ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हमारा जो अपकमिंग इवेंट्स हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है. यदि आपको समझ में आ गया तो इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें, और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, सही लगा हो, तो आप इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें. नाउ टेक केयर, बाय बाय.